आज मैं बना रही हूँ एक पालापम की रेसिपी। ये केरला स्टाइल की रेसिपी है। इसे कोकोनट टॉडी या फिर कप्पी करके बोलते हैं, नहीं तो कुक्ड राइस, नहीं तो ईस्ट डाल के बनाया जाता है। आजकल तो कोकोनट टॉडी हर जगह पर नहीं मिलती है, तो ज़्यादा तक ईजी पालापम बनाते हैं। हम जो सिंपल डोसा बनाते हैं ना, उससे ये बिल्कुल अलग टाइप की है। और इसका टेक्सचर देखिए, इसका टेस्ट बहुत अलग टाइप की बनती है। चलिए इस केरला स्टाइल पालापम की रेसिपी कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं। मेरा रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिए इस वीडियो को। मेरा चैनल पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। पालापम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप वाइट राइस लिया है। इस राइस को इडली राइस या फिर पुन्नी राइस बोलते हैं। इसे मैं पानी से पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए, ये इस टाइप की है। अगर आपको इस टाइप की राइस नहीं मिला तो सादा राइस भी ले सकते हैं। पहले पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लेना है। ये देखिए, मैंने वॉश करके लिया। अभी इसमें फिर से पानी डाल के 5 से 6 घंटे भिगो के रख देना है। एटलीस्ट 4 घंटे तो भिगो के रख देना है। अभी 5 घंटे हो चुकी है। राइस वगैरह ये रेडी करने से पहले हम क्या करेंगे, ईस्ट रेडी करके रख देना है। तो एक छोटा सा बोल में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ईस्ट। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है। 2 कप राइस के लिए 1/2 टीस्पून ईस्ट बराबर है। और इसमें 2 टीस्पून चीनी भी डाल देती हूँ। ईस्ट अच्छे से फर्मेंट होने के लिए चीनी डालना ज़रूरी है। और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के अच्छे से मिला देना है। राइस वगैरह पीस लेने से 7-8 मिनट पहले इसे रेडी करके रख देना है, तो ही ईस्ट अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। डायरेक्ट मत डालेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्चुअली ऑथेंटिक पालापम में टॉडी डाल के बनाते हैं, बट टॉडी हर जगह पर नहीं मिलती है, तो इजी पालापम में ज़्यादा तक ईस्ट नहीं तो कोकोनट वाटर फर्मेंट करके बनाया जाता है। और एक बात, ईस्ट नहीं है तो 1/4 टीस्पून सोडा पाउडर डाल के भी बना सकते हैं। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो 7 से 8 मिनट तक इसे फर्मेंट के लिए एक साइड में रख देते हैं। अभी चावल पीसने के लिए पानी ऐड करना है। मैं क्या कर रही हूँ, इधर कोकोनट है ना, इसका जो पानी मैं निकाल के रखी हूँ वही यूज़ करती हूँ। अगर नहीं तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम राइस पीस लेते हैं। ये जो राइस अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अभी इसका अंदर का पानी निकाल देंगे, फिर एक मिक्सर जार में डाल देना है। और इसमें 1 कप ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट डाल देती हूँ। और इसके साथ ये डालना है, मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप कुक्ड राइस। मैंने इधर रेड राइस लिया है। ये हमारा साइड बॉयल राइस करके आता है ना, उसे कुक करके डाल देती हूँ। अगर आपको ये राइस नहीं मिला तो सादा जो राइस आप यूज़ करते हो उसे कुक करके डालना है। 2 कप राइस के लिए 1 कप ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट और 1 कप कुक्ड राइस डाल दिया है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है ये जो कोकोनट वाटर है, ये नहीं है तो आप सादा पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल दीजिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिए। देखिए इस तरीके से पीस लेना है। अभी इसे एक बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी इतना होना चाहिए। मैंने इसे कल ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसे पूरी रात फर्मेंट के लिए रख देती हूँ, कम से कम 7 से 8 घंटे तक। तो अभी इसमें डालूँगी ये फर्मेंट के लिए रखे हुए थे ना ईस्ट, इसे भी इसी वक्त डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका कंसिस्टेंसी देखिए इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अभी इसे ढक के 7 से 8 घंटे तक फर्मेंट के लिए रख देंगे, नहीं तो पूरी रात रख देना है। अभी 8 घंटे हो चुकी है। ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्के हाथ से मिक्स करिएगा। अभी बैटर रेडी हो चुकी है। चलिए अभी पालापम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने आयरन का पालापम कढ़ाई लिया है, इसे अच्छे से गर्म के लिए रख दिया है। थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। ये जो पालापम कढ़ाई है ना, आपके पास नहीं है तो
कौन सा भी नॉनस्टिक कढ़ाई ले सकते हैं, बस इस तरीके से डीप होना चाहिए पालापम बनाने के लिए। देखिए मैंने कढ़ाई में अच्छे से ऑयल लगाया है, अभी इसमें एक या डेढ़ लैडल फुल जितना बैटर डाल देना है और तुरंत इस बैटर को इस तरह घुमाना है। और थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से डाल देना है और इससे ढक के अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा पालापम बिल्कुल रेडी है, अभी इसे निकाल देते हैं। इस तरीके से बाकी पालापम को भी बनाएंगे। ये पालापम के बैटर है ना, इसे 2 से 3 दिनों के लिए फ्रिज में रख के आप यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। अभी हमारा इजी पालापम बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी जालीदार, बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए मैं और एक बना के दिखा रही हूँ। पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है, फिर एक लैडल फुल बैटर डाल देना है और इस तरीके से हल्के से घुमा के स्प्रेड कर लेना है, फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के पकने को छोड़ देना है। वाह, ये देखिए हमारा केरला स्टाइल पालापम बिल्कुल रेडी है। इसे आप चटनी नहीं तो कोई भी करी के साथ आप ले सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगी। और इसका टेक्सचर देखिए एकदम स्पॉन्जी, बहुत अच्छी बनती है। ये अलग टाइप की रेसिपी है। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिए इस वीडियो को। और पहली बार मेरा चैनल देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करिए, मेरा आगे आने वाला नया रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।